ये लुटीनो बेबीज़ हैं माशाल्लाह, सुप्रीम क्वालिटी के अंदर हैं, सुप्रीम पेटल्स हैं इनके। बेसिकली ये सीक्रेट था जो आपने डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो मैं बता देता हूँ कि आप उनकी भी अगर प्राइसिंग हाई करके सेल करेंगे तो वो तो न्यू फैंसर के साथ जुल्म है ना। हाँ हाँ। तो आप एस लो प्राइस में उनको बर्ड दें, अच्छा क्वालिटी का बर्ड दें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरी क्रस्ट एग्जीबिशन की वर्किंग है, तो ये मेरा माशाल्लाह क्रस्ट ब्रेड का बेबी है जिसमें न्यू फैंसियर्स भी आए। वो मुझसे क्वेश्चन, मोस्टली का क्वेश्चन ये था कि भाई इसके बच्चे कितने के सेल हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए पहले आखिरी स्टेप पे पहुंच जाते हैं। हाँ। हमें बिज़नेस बताएं जी, बच्चे कितने का सेल होगा, असल बात कोई भी नहीं बताएगा, मतलब कारोबार से मुखलिस लोग हैं। हाँ, कारोबार से मुखलिस हैं। ये देखें माशाल्लाह बेबीज़, फैदर क्वालिटी इनकी चेक करें और पैटर्न चेक करें माशाल्लाह से, माशाल्लाह सुप्रीम है। हेड साइज देखें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके बर्ड्स खैर वाफिया से होंगे। तो मैं हूँ आपका होस्ट वासिफ उमर और आप देख रहे हैं पेट स्टोरी। तो दोस्तों, आज लव बर्ड से हटके आपके लिए एक अच्छा जो है ऑस्ट्रेलियन बजेस की म्यूटेशन का सेटअप लेकर आए हैं, जिसमें हमारे पास होगरोमो आ जाते हैं। ठीक है, होगरोमो की सारी वर्किंग आपको शो करवाते हैं, उसके बाद एग्जीबिशन बर्ड्स की जो सारी वर्किंग है वो आपको दिखाएंगे आज की वीडियो में, और इसके अलावा एग्जीबिशन क्रस्ट की जो वर्किंग है, आपने ऐसी वर्किंग जो है गुजरांवाला के अंदर, क्या पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस तरह की वर्किंग बहुत कम लोगों के पास देखी होगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप है, बहुत अच्छा फीडबैक आया हमारे पास भाई के सेटअप का, तो इसलिए आपके साथ जो है सनीम भाई का ये सेटअप आज विजिट करवाएंगे। इसके अलावा जो न्यू फैंसियर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं या आ चुके हैं या थोड़े से बर्ड उन्होंने लगाए हुए हैं, उनकी सपोर्ट के लिए भाई ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। और उसके अलावा जो सपोर्ट कर रहे हैं, अभी रिसेंटली इन्होंने बर्ड सेल जो है वो न्यू फैंसियर सपोर्ट के नाम से बर्ड सेल लगाई थी, उसके बारे में भी आज की वीडियो में सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सेटअप से रिलेटेड। और इसके अलावा जो न्यू फैंसियर को सपोर्ट कर रहे हैं भाई, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो के अंदर आपको लाजमी मिलेगी, तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है। इसके अलावा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर्ड से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको पहुँच सके। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो। जी दोस्तों, तो इस टाइम हम एवेरी के ओनर सनीम भाई के साथ मौजूद हैं। ठीक है, इनसे अब इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपका। ठीक है, इनको बर्ड फील्ड में आए हुए कितनी देर हो गई है, इसके अलावा जो एग्जीबिशन की म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं वो कितनी देर से कर रहे हैं और कौन कौन सी जो पेयरिंग इन्होंने लगाई हुई है वो सारी जो है इनसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सनीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी सनीम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सनीम भाई, सबसे पहले बताएं आपने कौन कौन सी म्यूटेशन लगाई हुई हैं? अच्छा, बेसिकली मैं एग्जीबिशन ब्रीडर हूँ और एग्जीबिशन पे मैं लास्ट 3 ईयर से वर्किंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास काफ़ी म्यूटेशंस हैं। एग्जीबिशन क्रस्ट के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ, एग्जीबिशन होगोरोमो के ऊपर भी वर्किंग कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह आपने देखा ही होगा कि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पेयर्स लगे हुए हैं जो कि वर्किंग में हैं, और बस वर्किंग ही कर रहे हैं अभी, हम सीख रहे हैं और वर्किंग में ही हैं अभी हम। ठीक है, मतलब अभी वो हम इतने ज़्यादा बर्ड लगे हुए हैं कि उनको काउंट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है कि इतने ज़्यादा बर्ड्स हैं। और मैं तो कहता हूँ कि इंसान जो है इलम हासिल करता रहता है, कभी परफेक्ट नहीं होता, तो मैं इसको एज ए कंसीडर यही करूँगा कि वर्किंग ही है। और अगर आप अल्टीमेट कुछ गोल्स हासिल कर लेते हैं, अचीवमेंट हासिल कर भी लेते हैं, तो ये ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की। तो मैं इसको जो है ना ब्लेसिंग ही समझूंगा अल्लाह ताला की, कि जो ये इतना बड़ा सेटअप और होगरोमो का सेटअप और उसके अलावा जो म्यूटेशंस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, कंप्लीट म्यूटेशंस के ऊपर, तो ये ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की। तो ये होगरोमो का जो सेटअप है ये तो हम देख रहे हैं, इसके अलावा एग्जीबिशन का जो आपने जो यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक अपना सेटअप तैयार करना है जिसका हमने सुना है, तो वो कब तक आप जो है हमें शो करवा रहे हैं? बेसिकली ये सीक्रेट था जो आपने डिस्क्लोज़ कर दिया है, तो मैं बता देता हूँ कि होगरोमो का ये सेटअप है जहाँ आप विज़िट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी साल के एंड तक जो है ना मेरा एग्जीबिशन का सेटअप जो है, वो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आपको दिखाएंगे, नाज़रीन को भी दिखाएंगे और बुलाएंगे। मतलब माशाल्लाह विद इन 1 मंथ जो है वो आपका सेटअप तैयार हो जाएगा? प्रोसेसिंग में है तो इंशाल्लाह
एट द एंड ही मैं जो है ना आपको बुलाऊंगा जब सारे केजीज एवरेज कंप्लीट हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद ही इंशाल्लाह। ठीक है, और इसके अलावा न्यू फैंसियर स्पोर्ट के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? न्यू फैंसियर्स के लिए ये है कि हमारा बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ हुगरमो क्लब ऑफ पाकिस्तान, हमने एक सोसाइटी बनाई है, जिसे क्लब बनाया है, जिसके चेयरमैन हैं अदनान अहमद सिंधु साहब हैं खारियाँ के, तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं। तो हम लोगों ने इसका इनिशिएटिव लिया था, उसमें हम लोगों को जो है ना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं डिज़ीज़ के हवाले से, बर्ड कीपिंग के हवाले से, तो ब्रीडिंग के हवाले से भी हम उनको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई सेल वगैरह लगाई थी आपने, वो भी ज़रा बताइएगा हमारे दोस्तों को जो शो करना चाह रहे हैं। सेल एज सच लगाई इसलिए थी कि गुजरांवाला के जो न्यू फैंसियर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, क्योंकि बर्ड जैसे काफ़ी लोग हैं, एक्सपेंसिव बर्ड हैं, गाइडलाइंस उनको नहीं मिलती हैं न्यू फैंसियर्स को, बर्ड काफ़ी एक्सपेंसिव सेल करते हैं, तो ये एक इनिशिएटिव लिया था कि न्यू फैंसियर्स जो है ना हमारे, उनको हम फैसिलिटेट करें, उनको बर्ड दें अच्छे, ताकि वो इस हॉबी को प्रमोट कर सकें और आगे इसमें आएं बर्ड लेके ना। बाकी कुछ दोस्तों ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि आपने प्राइस जो है बहुत लो कर दी है, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि आप इस हॉबी की प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आप अपना अच्छा बर्ड किसी को नहीं देते या आप लो प्राइस पे नहीं देते, फॉर एग्जांपल आप कोई न्यू हॉबीर आता है उसको एक कोई गिफ्ट दे दें, आप एक, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी वर्किंग का बर्ड है, अच्छा बर्ड है, उसमें से पांच या छह चिक्स आते हैं, आपने एक बर्ड अपने लिए रोकना होता है, दो बर्ड रोकना होता है, बाकी बर्ड आपके किधर जाते हैं? वो आप उनकी भी अगर प्राइसिंग हाई करके सेल करेंगे तो वो तो न्यू फैंसियर के साथ जुल्म है ना। तो आप एस लो प्राइस में उनको बर्ड दें, अच्छा क्वालिटी का बर्ड दें, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, ये ना हो कि बजन हो के वो इस हॉबी को खैर बात कह दें। तो जो बजरी घर को मैं समझता हूँ कि काफ़ी निगलेक्ट हो रही है ये हॉबी ना, तो इसके लिए हमें जो है ना वर्किंग करनी होगी, न्यू फैंसियर्स को प्रमोट करना होगा और सेक्रीफाइस लाजमी करनी पड़ेगी इंशाल्लाह जी। ये बजीज पैरेट के लिए जो है हम स्पेशल जो एक सीरीज़ बनाएंगे, जिसके अंदर जितने भी सेटअप्स हैं गुजरांवाला के अंदर हम मजीद कवर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अच्छा सनीम भाई, इसके अलावा न्यू फैंसियर्स को आप क्या गाइड करना चाहेंगे जो इस हॉबी में आना चाह रहे हैं, या उनको मतलब किस म्यूटेशन वगैरह पर वर्किंग का जो है आप मशवरा देंगे? न्यू फैंसियर्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सब्र वाली है हॉबी जो है ना। अब न्यू फैंसियर्स जो हैं यूट्यूबर्स की वीडियो देख के, जैसे अब मेरी देखेंगे या किसी और की वीडियो देखेंगे, तो वो उनके माइंड में पहले बिज़नेस की बात आती है। देखिए बिज़नेस तब होता है जब आपके पास कोई एक्सीलेंस स्किल्स हों या आपके पास कोई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हों। ठीक है, जब तक आपके पास क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं है तो आप बिज़नेस कैसे कर सकते हैं? मतलब बर्ड कीपिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर हम किस तरह चला सकते हैं? अभी रिसेंटली ये मैंने एक प्रमोशन के लिए एक्टिविटी की जिसमें न्यू फैंसियर्स भी आए, वो मुझसे क्वेश्चन मोस्टली का क्वेश्चन ये था कि भाई इसके बच्चे कितने के सेल हो जाएंगे? सही है भाई, आप बर्ड अभी ले रहे हो मेरे से, आप कहते हो जी बच्चे कितने के सेल हो जाएंगे? बच्चे जो हैं आप अभी बड़ा करोगे, उसकी ब्रीडिंग लोगे, आप जो है वो आगे जाके ब्रीड करेंगे, एज कंप्लीट होगी फिर बच्चे आएंगे, मतलब फिर पहले उसको रखना तो सीख लें। देखें बर्ड की कीपिंग ही नहीं आपको पता कि आपने इसको डाइट में क्या देना है, आपने उसके ब्रीड कैसे लेनी है, इन्वायरमेंट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ों को छोड़ते हुए पहले आखिरी स्टेप पे पहुंच जाते हैं, हमें बिजनेस बताएं जी बच्चे कितने का सेल होगा। तो यही मैं कहूँगा, थोड़ा सब्र से काम लें, मतलब माइंड सेट हम लोगों को चेंज करना होगा, साल दो साल इसमें वर्किंग करें। आप पहले म्यूटेशंस का पता करें कि म्यूटेशंस कौन कौन सी हैं, क्वालिटी बर्ड की क्या होती है, शो बर्ड क्या होता है, शो बर्ड ब्रीड कैसे कराया जाता है, तो उस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन लें। ये सेल की बात तो बाद की बातें, मतलब स्टार्ट में देखें ना, न्यू फैंसियर जो भी किसी भी फील्ड में जाना चाह रहा है, कोई भी बर्ड परचेज करना चाह रहा है, पहले वो मतलब डिफरेंट सेटअप विजिट करें। अब जिस तरह आपके पास आए कि भाई मुझे बताएं, गाइड करें, ये सीनियर से तो राय लेनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें जो है ना इस फील्ड में मुखलिस लोग जो हैं बहुत कम हैं, ऐसे ही आपको जो है ना समझ लें कि असल बात कोई भी नहीं बताएगा, मतलब कारोबार से मुखलिस लोग हैं। हाँ, कारोबार से मुखलिस हैं, तो ये पहली सिलेक्शन आपकी लोगों की है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे जो मेंटोर्स मिले हैं, जो मेरे उस्ताद हैं, मैं उनका अल्लाह के बाद उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया और मैं एक ट्रैक पे आया और अल्लाह पाक ने उसी की बदौलत जो है ना मुझे इज्जत से नवाजा। ज़बरदस्त है। अच्छा, अवार्ड विनिंग बर्ड जो थे आपके, उनके बारे में भी थोड़ा सा जो है ना हमें बताएं।
अवार्ड विनिंग मार्च में बेबी एंड यंग शो हुआ था, ठीक है, उसमें मैं बर्ड लेके गया अपना लाइट सिनेमन, तो अल्लाह का शुक्र उसने अपनी क्लास विन की है और रनर अप रहा है चैम्पियन क्लास के अंदर मेरा बर्ड। अभी रिसेंटली ये नवंबर में शो हुआ है तो उसमें भी मेरा बर्ड जो है ना अपनी क्लास विन किया उसने और बड़ा अच्छा कंटेस्ट किया है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जो अल्लाह पाक ने ये इज़्ज़त से नवाजा और मेरे उस्ताद हैं अदनान सिंधु साहब हैं खारियाँ के, उनका शुक्र गुज़ार हूँ। अहमद रजा शाही, अली रजा शाही हैं, पाकिस्तान के टॉप ब्रीडर हैं और जजेज़ हैं, तो वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, तो उनका शुक्र गुज़ार हूँ। तो बस उनकी दुआएं, उनकी मेहनत और अल्लाह पाक का फजल है जी। सही है। तो इसके अलावा हम गुजरांवाला में देखते हैं कि इस तरह के मतलब एग्जीबिशन के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लोगों ने सेटअप नहीं लगाए हुए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती आपको इस चीज़ में कि कोई और मतलब होता है ना कि दूसरे दोस्त कोई मिल जाते हैं यहाँ के, तो आपके तो जो उस्ताद हैं वो डिफरेंट सिटीज़ से हैं, तो इसमें कोई है कोई मेंटोर पास हो तो ज़्यादा बेहतर है? नहीं नहीं, बेसिकली यहाँ पे हमारे पैक सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं उस्मान वहीद भाई, ठीक है, मेरे समझ लें कि स्टार्टिंग में जो है ना वो बहुत सपोर्ट की है, अभी भी स्टिल सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, मैं उनके साथ हूँ, उनसे मेरी गपशप है, बातचीत है, हम बैठते हैं वीकेंड्स के ऊपर। तो ये है कि बजरीगर की हॉबी, एग्जीबिशन की हॉबी बहुत से लोग छोड़ गए हैं, काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पर, जब से इसकी प्रमोशन ख़त्म हुई है, इसकी ब्रीड एक तो मुश्किल है, एक यूनिटी का बड़ा मसला है, ग्रुपिज़म बहुत ज़्यादा है इसमें, वो हर जगह होता है, हर सोसाइटी के अंदर है, तो बजरीगर जो है ना ऐसे इतना सेल नहीं होता, इसीलिए लोग जो है ना थोड़े से इससे मुतनफिर हुए हैं, लेकिन जो ट्रू हॉबीस्ट हैं उसमें गुजरांवाला में उस्मान वहीद भाई हैं, हनी भाई हैं, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे हर जगह सपोर्ट किया है और अभी भी सपोर्ट करते हैं, बर्ड लाइफ्स के नाम से उनकी शॉप है तो जी पीपल्स कॉलोनी में है, वो भी मेरे उस्ताद मोहतरम हैं माशाल्लाह, मतलब आधा से ज़्यादा गुजरांवाला तो उनको जानता है उस्मान वहीद भाई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें अब हमें जो है अपने बर्ड जो हैं वो दिखाएं लाजमी, हमारे जो नाज़रीन हैं वो कब से इंतज़ार कर रहे हैं आपका बर्ड जो है वो सारे देखने को। जी चलें आए दिखाते हैं, एवरी में चलते हैं दिखाते हैं बर्ड। जी ये एक पेड़ है लाइट सिनेमन का, ये अभी रिसेंटली शो था, शो में भी लेके गया था, तो इसका मोल्टेड क्राउन था, ये मोल्ड पर चला गया था बर्ड, तो ये डिस्क्वालीफाई हो गया था, तो ये पेड़ एक है आप देखिएगा। जी ये दूसरा पेड़ है मेरा, ये बड़ा अच्छा टॉप क्वालिटी का पेड़ है, ये आप देख रहे होंगे फीमेल जो है लेइंग पे है, और मेल की क्वालिटी भी आप देखें और फीमेल की क्वालिटी भी आप देखें, तो माशाल्लाह इसने मतलब एग ले किए हुए हैं। जी जी एग ले किए हुए हैं माशाल्लाह। जी ये एक और पेड़ है, ये देखिएगा ब्लू सिनेमन के अंदर है और स्पेंगल की फीमेल है, ये लेटेड लाइन के बर्ड्स हैं, इंशाल्लाह इनको अभी लगाया, ये मोस्टली पेड़ जो हैं सारे मैंने अभी शो के बाद लगाए हैं, तो अभी इनकी कोई ब्रीड नहीं आई है, तो कुछ पेड़ जो हैं लेंग के ऊपर हैं, कुछ जो हैं रेडी हैं, तो इंशाल्लाह जैसी ब्रीड आएगी वो आपको जो है ना दोस्तों से शेयर करेंगे। ये देखिए एक और एग्जीबिशन का पेड़ है माशाल्लाह, इसके चिक्स आए हुए हैं माशाल्लाह जी। ये जो अभी पेड़ दिखाया था उनके ही ये आगे जो है बच्चे हैं करंट ईयर के, तो ये भी लेटेड लाइन की वर्किंग से हैं, तो इंशाल्लाह बच्चे जो है ना माशाल्लाह अभी से बता रहे हैं कि बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। सही है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह एक और एग्जीबिशन का ही वर्किंग का पेड़ है, इसके भी चिक्स आए हुए हैं, तो बस अभी ब्रीड आ रही है तो इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ये मेरी क्रस्ट एग्जीबिशन की वर्किंग है, तो ये मेरा माशाल्लाह क्रस्ट ब्रेड का बेबी है। सही है माशाल्लाह जी। तो बाकी बेबीज बाहर हैं तो माशाल्लाह वो बॉक्स के अंदर आई थी। जी 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 बिल्कुल ऐसी है। तो ये सेपरेट मतलब वो ठंड से बचाने के लिए बना हुआ है या क्या इसका? नहीं बेबी जंप कर देते हैं बाहर तो फीमेल या मेल अटैक ना करे बच्चों पे, तो इसलिए जो ना हाइट बॉक्स हैं वो, उसमें बच्चे जो है ना वो चले जाते हैं। मतलब ये यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट देखा है इस चीज़ का? नहीं कॉन्सेप्ट तो ये बाहर का है, हम लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है। सही है जी। ये क्रस्ट की वर्किंग का पेयर है माशाल्लाह, ये होम ब्रीड है मेरी, तो इनके चिक्स आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। ये भी एक पेयर माशाल्लाह होम ब्रीड का लगा हुआ है, यंग बर्ड है दोनों, तो रिलेटेड लाइन के बर्ड हैं,
तो ये भी अभी फीमेल लेइंग पे है। सही है। तो इंशाल्लाह इनके भी बच्चे जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह जी। अच्छा सनीम भाई, हमने एग्जीबिशन की वर्किंग तो देख ली, अब हमें ज़रा होगोरोमो की वर्किंग जो है अपनी वो भी दिखाइएगा। जी मैं आपको होगोरोमो की वर्किंग दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये अभी एक पेड़ आ गया है मेरे सामने, ये ब्लैक विंग का जो आजकल हॉट आइटम है, ब्लैक विंग, ब्लैक फेस एंड डन फेलो। तो ये देखिएगा, ये होगो ब्रेड की फीमेल है और ये स्प्रिट का जो है मेल है, ब्लैक विंग का। तो ये अभी पेयरिंग की है, इंशाल्लाह इसमें से जो है ना ब्लैक विंग आने के चांसेस हैं फ्लावर्स के अंदर। दूसरी ये देखिएगा, ये होगोरोमो की वर्किंग है, ग्रीन का मेल है, ब्लैक पेटल का, एंड फीमेल जो है आप फीमेल का साइज स्पॉट देखिएगा, इंशाल्लाह इसमें से ही बच्चे जो है ना बहुत अच्छे आने के चांसेस हैं। ये देखिएगा एक पेयर जो है टीसीबी की वर्किंग का है, ये फीमेल एग्जीबिशन की वर्किंग में से है और मेल भी एग्जीबिशन की वर्किंग में से है। तो ये भी अभी जो है ना इंशाल्लाह ब्रीड पे हैं, तो ये ब्रीड करेंगे तो इंशाल्लाह सुपर बेबीज प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए, ये भी एक एग्जीबिशन वर्किंग का मेल है और ये लेसविंग जो है लेसविंग प्रोजेक्ट है मेरा, जो कि मैं वर्किंग कर रहा हूँ होगोरोमो लेसविंग के ऊपर एग्जीबिशन के अंदर। सही है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए लुटिनो बेबीज़ हैं, माशाल्लाह सुप्रीम क्वालिटी के अंदर हैं, सुप्रीम पेटल्स हैं इनके, माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत हैं ये। देखिए ये होगोरोमो के बेबीज़ हैं, ये वर्किंग बर्ड हैं जो कि होगोरोमो की एग्जीबिशन के साथ वर्किंग है। तो ये माशाल्लाह बड़े ही अच्छे हेड साइज़ के अंदर, बॉडी वाइज और स्पॉट्स के अंदर है, तो ये आगे फ्यूचर की वर्किंग है मेरी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह बेबीज़, फेदर क्वालिटी इनकी चेक करें और पैटर्स चेक करें माशाल्लाह से, जी माशाल्लाह बड़े सुप्रीम है। हेड साइज़ देखें आप, अभी ये जस्ट जो है विद इन अ बॉक्स हैं। अच्छा सनीम भाई, बर्ड्स वगैरह आपके हमने सब देख लिए हैं, इसके अलावा अपना फ़ोन नंबर और लोकेशन वगैरह हमारे दोस्तों से शेयर कर दें ताकि जो बर्ड्स के हवाले से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है वो कर लें आपसे। जी मेरी लोकेशन है गुजरांवाला डीसी कलोनी, मेरा शेड यहाँ पे है और मेरा फ़ोन नंबर है 03225677667। तो ये स्क्रीन पर भी आपके आ जाएगा, और जो है किसी किस्म की गाइडलाइन चाहिए हो, किसी किस्म की भी कोई ब्रीडिंग के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, तो मोस्ट वेलकम, मैं आपका भाई हाज़िर हूँ। जी दोस्तों, सनीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें टाइम दिया आज के दिन, और इसके अलावा जो है हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह की बर्ड की हॉबी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस हैं और इसके अलावा जो है बर्ड सेटअप वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।